पूर्व सीएम अशोक गहलोत शनिवार को आएंगे धौलपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शनिवार को धौलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बसई नवाब में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर पार्टी पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में वोटों के समीकरण की बात की जाए तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बाड़ी से बसपा की सीट ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि ये समीकरण लोकसभा चुनाव में कोई मायने नहीं रखता है। अब देखना यह है कि गहलोत अपनी सभा के द्वारा मतदाताओं में कितना जादू चला सकेंगे। जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे बसई नवाब पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार दोपहर को राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा तथा पूर्व प्रधान प्रतिनिधि तथा कुशवाहा समाज के नेता रामहित कुशवाहा ने तैयारी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों से भी मुलाकात की है। वहीं कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा सभा स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट व बैठक व्यवस्था के लिए 7,000 कुर्सियों की व्यवस्था करने की जानकारी मिली है। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा हेलीपैड की तैयारी भी की जा रही है। बसई नवाब का सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी गिरफ्तार। शराब के नशे में अधिकारियों से फोन पर कर रहा था अभद्रता। धौलपुर जिले के बसई नवाब का पूर्व सरपंच एवं वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी को शुक्रवार को कोलारी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी फवर सिंह ने बताया कि सरपंच प्रतिनिधि शराब के नशे में अधिकारियों को फोन कर अभद्रता कर रहा था, तभी उच्च अधिकारियों के आदेश पर सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई गई है, जिसे गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। बंटी सोनी बसई नवाब का पूर्व सरपंच रह चुका है और वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि है। हाथरस के हरिकेश पहलवान ने जीती मनिया दंगल की आखिरी कुश्ती। दूसरे स्थान पर रहे पलवल के सचिन पहलवान। कस्बे में चल रहे ऐतिहासिक गणगौर मेले के आखिरी दिन ग्राम पंचायत की ओर से प्रतिवर्ष की भांति हेत सिंह का अड्डा पर शुक्रवार को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मनिया सी और राजेश शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन द्वारा भूमि पूजन कर दंगल का शुभारंभ किया गया। गणगौर मेले के दूसरे दिन लगने वाले दंगल में अन्य राज्यों से आए नामी पहलवानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दमखम दिखाया। दंगल में पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू हुई तथा आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए की रही। दंगल में करीब 237 कुश्तियों का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने जोर आजमाइश की। आखिरी कुश्ती में हरकेश पहलवान हाथरस ने सचिन पलवल को हराकर 51,000 रुपए की आखिरी कुश्ती जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता ने जनसमूह से जमकर तालियां बटोरी और सम्मान प्राप्त किया। दंगल में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने तालियां बजाकर पहलवानों का जोश बनाया। वहीं दंगल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनिया सी और राजेश शर्मा रहे। वहीं ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा, व्याख्याता विपिन तोमर, सुबोध पचोरी एवं पंचायत के समस्त वार्ड पंच समुद्र विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजेश शर्मा ने कहा कि कुश्ती दंगल ग्रामीण क्षेत्र का परंपरागत खेल है, जो आज भी ग्रामीण परिवेश में कायम है। दंगल से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में शारीरिक ताकत को लेकर जज्बा बना रहता है, जिसके बूते दंगल के दौरान उसकी प्रदर्शनी होती है। मौके पर मनिया ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि कुश्ती दंगल हमारी भारतीय परंपरा की देन है, जो आज भी अपनी ख्याति को बनाए हुए है, तथा खेल एक शारीरिक क्रिया है, जिसके खेलने के तरीकों के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया तथा आखिरी विजेता पहलवान हरकेश हाथरस को 51,000 रुपए एवं गदा भेंट कर सम्मानित किया गया। योगेंद्र सिंह, मुकेश शर्मा, पिंकी ठाकुर ने निर्णायक रूप में भूमिका निभाई। इससे पहले ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित दंगल में 10 रुपए से लेकर 51,000 तक करीब 237 कुश्तियों का आयोजन किया गया। विजेता पहलवानों को ग्राम पंचायत द्वारा पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। दंगल में लोगों का बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। दंगल को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों से लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ी तथा लोगों ने तालियां बजाकर पहलवानों का हौसला बढ़ाया एवं कुश्ती का लुत्फ उठाया। हेत सिंह के अड्डा पर हजारों की संख्या में लोग पहलवानों के दाव पेच देखने पहुंचते हैं, जहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मनिया थाना सहित मेले में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता लगाया गया। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है।
पूरे बाजार में सबसे सस्ती बैटरी मिलने की गारंटी। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की बैटरी मिलती है। लिप फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारें। अरसी एंटरप्राइजेस, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में, जीटी रोड धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक। मोबाइल नंबर 8209731482। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर फॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। ट्रैक्टर ने पीछे से मारी टक्कर, युवक की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के हिनौंदा का पुरा गांव के पास शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पैदल जा रहे एक युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक सूरज, उम्र 18 वर्ष, निवासी पुरानी छावनी धौलपुर, शुक्रवार सुबह हिनौंदा का पुरा गांव से पैदल अपने गांव पुरानी छावनी धौलपुर आ रहा था। तभी काजर वाले नाले के पास पीछे से आ रहे ट्रैक्टर के चालक ने तेज गति और लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर परिजनों की ओर से सदर थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस ने फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस की टक्कर से युवक की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सकतपुर मोड़ पर सड़क किनारे खड़े एक युवक को तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लेकर स्थानीय लोग मनिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर सब मॉर्चरी में रखवा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद मृतक के परिजन मनिया अस्पताल पहुंच गए। मृतक के भाई हरिओम पुत्र राम भरूसी ने मनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका छोटा भाई राम प्रकाश, उम्र 34 वर्ष, पुत्र राम भरूसी सकतपुर चौराहे पर घर आने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने सड़क किनारे खड़े उसके भाई को टक्कर मार दी। हादसे में वह बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे मनिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनिया थाने के एएसआई थान सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के सब का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बीएलओ बोला, साहब 19 अप्रैल को वोट डारबे जरूर आइयो। मतदाता जागरूकता पर्ची लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी के दफ्तर पहुंचा पीएलओ। अब धौलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं जिला कलेक्टर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी के दफ्तर में जब बीएलओ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप यानी मतदाता जागरूकता पर्ची लेकर पहुंचा, तो वहां मौजूद कई अधिकारी हतप्रभ रह गए। बीएलओ ने उन्हें मतदाता जागरूकता पर्ची सौंपी और कहा कि साहब 19 अप्रैल को वोट डारबे जरूर आइयो। बीएलओ ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी धौलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भाग संख्या 179 में क्रमांक संख्या 946 पर पंजीकृत मतदाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने कहा कि उन्होंने निर्वाचन नामावली में नाम स्थानांतरित करवाने के लिए आवेदन किया था और वे अब धौलपुर जिले में पंजीकृत मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि वे 19 अप्रैल को सुबह मतदान प्रारंभ होते ही वोट करेंगे और लोकतंत्र के पर्व में बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ मतदाता के रूप में भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 14 अप्रैल 2024 से आओ बूथ चले अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर मतदाता मार्गदर्शिका एवं मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। सभी मतदाताओं को मतदाता मार्गदर्शिका व पर्ची वितरण की जा रही है। मतदान केंद्र पर सेल्फी लेकर सीईओ राजस्थान की साइट पर पोस्ट करने पर सर्टिफिकेट एवं बेस्ट सेल्फी को सम्मानित करने की जानकारी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक
मतदान करने वाले मतदाताओं से वृक्षारोपण करवाने की जानकारी दी जा रही है। भूलने की बीमारी और नींद संबंधी समस्या के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क रीट एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS MS MCH न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799 और 9785477415 पर कॉल करें। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का MDS डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज। दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगरों जैसा लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए रूफटॉप की सुविधा वाला जिले का पहला होटल, जहां लीजिए लग्जरी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। जिले में सबसे सुंदर स्वीट एवं डीलक्स रूम, सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, 24 घंटे ठंडा व गर्म पानी, 24 घंटे चेक इन और चेक आउट की सुविधा, मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किटी पार्टी, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे होटल रेड स्टोन। पता टाटा मोटर्स के सामने, जगदीश तिराहा, बाड़ी रोड, धौलपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9414693260। कलेक्टर का नया प्रयोग, VC के माध्यम से महिला मतदाताओं से की बात, मतदान करने के लिए किया प्रेरित। लोकसभा आम चुनाव में 100% मतदान को लेकर धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीधि बीटी नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जिसे लेकर शुक्रवार को उन्होंने वीसी के माध्यम से जिले के विभिन्न श्रेणी के मतदाताओं, महिला कार्मिकों एवं स्वीप से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों से संवाद किया और 100% मतदान को लेकर पंचायत समिति स्तर पर डॉट केंद्र एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केंद्र के माध्यम से संवाद किया, जिसमें उन्होंने 100% मतदान को लेकर सभी को प्रेरित किया। संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से बात कर कम मतदान के कारण जाने तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा की गई। जिले में 197 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां महिला मतदान प्रतिशत 50% से कम रहा है तथा 521 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पुरुष एवं महिला मतदान में अंतर 3% से अधिक रहा है। संवाद कार्यक्रम के दौरान हेला टोली बूथ अवेयरनेस ग्रुप की सक्रियता बढ़ाने के लिए सभी महिला कार्मिकों को जिम्मेदारी दी गई। मतदान दिवस को हेला टोली द्वारा घर घर संपर्क कर मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए कहा गया। जिला स्तर से वीसी को जिला स्वीप नोडल अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर द्वारा भी संबोधित किया गया। वीसी में ब्लॉक से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं स्वीप नोडल अधिकारी दाऊदयाल शर्मा, विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह गुर्जर, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गब्बर सिंह मीणा, RP एवं स्वीप प्रभारी सुरेश भरद्वाज, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रेखा शर्मा, अनुराधा शर्मा आदि मौजूद रहे। आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 12 बजे से 1 बजे तक के VC का कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पे एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में हुआ है। ग्राम पंचायत में राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर ईमेट प्लस मशीन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से
ANM यानी कि स्वास्थ्य विभाग के अपने जो कार्यकर्ता हैं ग्राम पंचायत लेवल पे जो बैक ग्रुप में विशेष तौर से रहते हैं, तो राजीव का समूह ग्रासरूट लेवल वर्कर्स महिलाओं को बुलाया गया था और ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी संबंधित विभागों के। बसेड़ी में धूमधाम से निकाली गणगौर की शोभा यात्रा, मनमोहक झांकियां देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में ऐतिहासिक गणगौर मेले के दिन रात 8 बजे से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा, थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा, मेला कमेटी के अध्यक्ष मायाराम शर्मा, संयोजक राय सिंह परमार, सह संयोजक हरिओम गर्ग द्वारा पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर किया गया। शोभा यात्रा बसेड़ी के नयाबाद से शुरू होकर मेन चौराहा, सदर बाजार, पीपल मंडी होते हुए स्टेशन रोड पर समाप्त हुई, जहां माता रानी द्वारा दानव का वध कर शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में महादेव, पार्वती, खाटू श्याम, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, गणेश जी, भारत माता के साथ साथ राधा कृष्ण सहित 2 दर्जन से अधिक की झांकियां निकली। मेले को देखने के ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस जवान शोभा यात्रा के दौरान साथ रहे। शोभा यात्रा से पूर्व कस्बे में आयोजित हुए मेले में बच्चों ने खिलौने खरीदे तो वहीं झूलों का लुत्फ उठाया। इसके अलावा महिलाओं व युवतियों ने आइसक्रीम, चाट पकौड़ी का लुत्फ उठाया। शोभा यात्रा के दौरान पूर्व सरपंच रविन्द्र सिंह परमार, सुभाष सोनी, महेश सिंह परमार, पूर्व कमांडर मनोज परमार, संजू गर्ग, सुरेश चंद गोयल, गुड्डा परमार, नितिन कुशवाहा, राहुल गोयल, विवेक गोयल, नीरज शर्मा तिमासिया, लोकेश सोनी, शिव कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। अपना घर आश्रम की महिलाओं ने भेंट किया सामान, अस्पताल में जच्चा बच्चा की पूछी कुशल छें। शुक्रवार को अपना घर महिला टीम बाड़ी ने अध्यक्ष कमलेश गर्ग के नेतृत्व में बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में जच्चा बच्चा दोनों के लिए सामान भेंट किया। जच्चा के लिए साड़ी और बच्चे के लिए सूट तथा बिस्किट दिए गए। अपना घर आश्रम के अध्यक्ष कमलेश गर्ग, अपना घर महिला इकाई के अध्यक्ष विमला गर्ग और महिला इकाई की कार्यकारिणी ने अपने हाथों से सभी महिला एवं नौनिहाल बच्चों को सामान दिया, जिसे पाकर महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। मीडिया प्रभारी रोशनी सिवरे ने बताया कि अपना घर आश्रम के अध्यक्ष कमलेश गर्ग, अपना घर महिला इकाई के अध्यक्ष विमला गर्ग, सचिव कुसुम मित्तल, कोषाध्यक्ष आशा बंसल, ऊषा मित्तल, विमला मित्तल, प्रिंसी गर्ग, लता मंगल, रोशनी सिवरे सहित कार्यकारिणी की अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। मारपीट व हमला करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के बसई कपुरा गांव में 27 फरवरी को हुए दलित परिवार के मुखिया से मारपीट और हमले के मामले में सदर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को घटना के 1.5 महीने बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी से अब STSC एक्ट के उक्त मामले को लेकर बाड़ी CO पूछताछ कर रहे हैं। बाड़ी CO नरेंद्र कुमार ने बताया कि 27 फरवरी 2024 को सदर थाना क्षेत्र के बसई कपुरा गांव निवासी पीड़ित नरेंद्र पुत्र हरि सिंह जाटव की आदमपुर गांव निवासी प्रदीप उर्फ अभय पुत्र रमेश लोधा और 4 से 5 अन्य लोगों ने किसी मामले को लेकर मारपीट की थी। मारपीट की घटना को लेकर जब पीड़ित नरेंद्र जाटव ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया तो आरोपी प्रदीप उर्फ अभय लोधा 4 से 5 लोगों को लेकर उसी रात उसके घर पहुंच गया और उसकी बुरी तरह मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। साथ में आरोपी ने पीड़ित को धमकी भी दी थी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई उसे वापस ले, अन्यथा परिणाम भुगतना होगा। मामले को लेकर सदर पुलिस ने जांच उन्हें सौंपी थी, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा के निर्देशन और वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में तुरंत कार्यवाही करने के सदर पुलिस को निर्देश दिए थे। ऐसे में सदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे आज CO ऑफिस में पेश किया गया। इस कार्रवाई में सदर पुलिस के साथ CO ऑफिस के हेड कांस्टेबल बहादुर सिंह, कांस्टेबल ज्ञानेंद्र कुमार होरीलाल का विशेष सहयोग रहा है। डेवरी को बस्से का अपराध से नरेंद्र सिंह ने सदर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरे साथ प्रदीप और कुछ अन्य लोगों ने मारपीट की। इस पर मुकदमे का अनुसंधान चालू किया गया और आज उसके मुकदमे के मेन मुलजिम प्रदीप और अभय को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अब धौलपुर में ही बनने लगे हैं ISI मार्का के उच्च क्वालिटी वाले सभी तरह के पाइप, जो मजबूती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरे। फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में गुणवत्ता की जांच के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है।
हमारे यहाँ सुड़िया पाइप, सिंचाई के काम में आने वाले पाइप, समर घर की नल फिटिंग, बोरिंग और सरकारी पाइपलाइन के पाइप मिलते हैं। आधा इंच से लेकर 8 इंच तक के सभी साइज के पाइप मिलते हैं। कीमत में बाजार रेट से सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे PHED राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड पाइप। दुकानदारों एवं ठेकेदारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारे श्री गोपाल पाइप फैक्ट्री, पता F332 दरियापुर बिजली घर के पास, ग्रोथ सेंटर रिको धौलपुर। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। दुकान शुभारंभ के मौके पर किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर एक माह तक 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्चन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। एक बार जरूर पधारे राम क्रॉकरी एंड किचन अप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। मोबाइल नंबर 7339981924। दो बाइकर्स ने मुर्गी को रौंदा, शिकायत करने गई महिला को पीटा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में मुर्गी मारने को लेकर हुए विवाद में एक महिला पर हमला करने और मारपीट में गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। घायल हुई महिला को बाड़ी अस्पताल से गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर घायल महिला के भाई ने बाड़ी सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला तेज गति से बाइक चला रहे गांव के दो युवकों से जुड़ा है, जिन्होंने तेज गति बाइक से गांव में सड़क पर घूम रही पीड़िता की मुर्गी को मार दिया। दुर्घटना में मुर्गी की मौत के बाद जब महिला मामले की शिकायत करने उन युवकों के घर पहुंची तो महिला पर ही युवकों ने हमला कर दिया। घटना को लेकर पीड़िता के भाई की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। घटना में घायल महिला रुबीना पत्नी शाकिर के बाड़ी निवासी भाई कासिम पुत्र बज्जी मुसलमान ने बताया कि उसकी बहन रुबीना पास के गांव हिम्मतपुर में रहती है। ईद के त्यौहार पर जब वह अपनी बहन से मिलने और न्योता खाने शाम के वक्त उसके घर पहुंचा तो देखा कि रुबीना को पड़ोसी युवक बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। इस पर उसने बीच बचाव किया तो पड़ोसियों को उस पर भी हमला किया। इस दौरान शोर शराबा सुनकर गाँव के लोग आ गए, जिन्होंने जैसे तैसे मामले को शांत कराया। इस दौरान सिर में डंडा लगने से रुबीना बुरी तरह घायल हो गई, जिसे तुरंत बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद रुबीना को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। घटना को लेकर घायल रुबीना ने होश में आने पर बताया कि उसकी मुर्गी घर के बाहर सड़क पर घूम रही थी। इस दौरान गांव के पड़ोसी युवक मकबूल और बल्लू पुत्र दीनू तेज गति से बाइक चलाकर आए और मुर्गी को टक्कर मार दी, जिससे मुर्गी की मौत हो गई। जब वह शिकायत करने उनके घर गई तो उस पर हमला कर दिया। सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि घटना को लेकर घायल महिला के भाई ने रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश को सौंपी गई है। सर जी, मैं गाड़ी पे था, मैं एमपी से बाहर लेके आया था, उसके बाद में मेरी मुर्गी को मारा गया था, उसके घर पे चला गया तो सब लोग उसके घर के उल्टे बोले और परिवार बुरे आ गए थे मारने के लिए। पीछे से बात करा मेरी मैसेज के पे बब्बू मकुल और मुस्तफा एक अस्पार, इन तीनों ने मारा है और आबिद तीनों ने मारा है इनको भयंकर तरीके से। मैं पीछे अकेला बंदा था, मेरे घर के थे नहीं कोई, और रोजे से बैठे थी मुझसे मारे गए थे सर मेरी को। उसके बारे में कहने गए थे मेरी मैसेज पास से पूरे दिन रही है, पूरे मेरे पास से मैं भाड़े पे थे, मैंने खाना माना कुछ भी नहीं खाया और कपड़े फाड़ फाड़ के उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं सर। स्वीप रथ एवं वॉकथॉन को जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर स्वीप अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन आमजन को मतदान के लिए जागरूक करने एवं शहरी उदासीनता को कम करने के उद्देश्य से कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में थीम पर स्वीप रथ एवं युवा वॉकथॉन को जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वीप रथ एवं वॉकथॉन नगर परिषद परिसर से गांधी पार्क पहुंचा, जहां आयोजित स्वीप कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए आम जन को प्रेरित किया एवं मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। युवाओं ने मतदाताओं को वोट कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी देने के लिए जागरूक किया।
बता दें कि धौलपुर जिले में मतदान से पूर्व सतरंगी सप्ताह का आयोजन 10 अप्रैल से शुरू हो गया है। इसके तहत 16 अप्रैल तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीधि बीटी ने बताया कि जिले भर में मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर घर घर तक मतदान का संदेश पहुँचाने के लिए स्वीप टीमों का गठन कर मतदाता जागरूकता की गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है। उन्होंने जिले के मतदाताओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील की है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिव्यांगजन एवं बुजुर्ग मतदाताओं सहित अन्य मतदाताओं को मतदान केंद्र पर उचित व्यवस्था मिलेगी। कार्यक्रम में मौके पर स्वीप अभियान के विभिन्न अधिकारी गण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पहचान नहीं होने पर 3 दिन बाद पुलिस ने कराया सबका पोस्टमार्टम। जिले के धौलपुर ग्वालियर रेलवे ट्रैक पर मिले सबकी पहचान नहीं होने पर शुक्रवार को कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने पोस्टमार्टम करा दिया है। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रेल चौकी प्रभारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि 9 अप्रैल को रेल विभाग के द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्वालियर की तरफ खंबा नंबर 1288/22 पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने छत विछत अवस्था में पड़े मिले शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया था। चूंकि प्रभारी ने बताया कि सबकी पहचान के लिए सीमावर्ती राज्यों समेत सोशल मीडिया पर भी फोटो वायरल किए गए थे, लेकिन सबकी पहचान नहीं हो पाई, जिस पर शुक्रवार को कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक महिला की मर्ग दर्ज करते हुए सबका पोस्टमार्टम करा दिया। जिला अस्पताल शिफ्टिंग मामले को लेकर शनिवार को होगी बैठक। शुक्रवार को अस्पताल संघर्ष समिति के तत्वाधान में जिला अस्पताल धौलपुर के स्थानांतरण के विरोध में समिति के सभी सदस्य शहर के समाज सेवी एवं व्यापारिक संस्थाओं ने बैठक की, जहां शनिवार 13 अप्रैल को ज्ञापन की योजना को लेकर सुबह 11 बजे भार्गव वाटिका पहुँचने का आह्वान किया है। समिति ने अस्पतालों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कई कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग भाग लें। इस अवसर पर पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, हरिप्रसाद गुप्ता, राम सिंह कोली, विशंबर दयाल शर्मा, वेद प्रकाश गुप्ता, श्री भगवान शर्मा, बालमुकुंद शर्मा, गौरव गर्ग, राम अवतार परमार, जयपाल गुर्जर, दुर्गा शरण दुबे आदि मौजूद रहे। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ। हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चीड़, कपूर, साल सभी साइज में मिलती है। सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध, पर्दे का सामान, फाइबर सीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृपया सेल्स रोशन गार्डन के सामने गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर। अब महिलाओं से संबंधित बीमारी का सैपो में ही मिलेगा उपचार। महिलाओं से संबंधित किसी भी बीमारी के उपचार के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि अग्रवाल के द्वारा अब सैपो में ही दिया जाएगा उचित उपचार। जी हां, आपके कस्बा सैपो में पहली बार धौलपुर की प्रख्यात डॉक्टर अंजलि अग्रवाल MS गायनी अपनी प्रतिदिन सेवा देंगी। पता, शिव शक्ति क्लिनिक, सरकारी अस्पताल के पास सेपो। मोबाइल नंबर 7300356887। यहाँ बांझपन, महिलाओं में सफेद पानी की समस्या, माहवारी की समस्या, स्तन में गांठ आदि के लिए सटीक उपचार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री श्याम बाबा मेडिकल हॉल, निदेशक प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 9782123400। फ्लैग मार्च करते हुए भयमुक्त होकर मतदान करने का दिया संदेश। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगड़ के नेतृत्व में जिले में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है और आम जन से भयमुक्त होकर मतदान का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मेहरड़ा ने बताया है कि लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन कराने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने
और मतदाताओं को भयमुक्त करने के उद्देश्य से पुलिस व अर्धसैनिक बल के अधिकारियों व जवानों ने कई वनरेबल व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रूट मार्च निकालकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दे रहे हैं। शुक्रवार को राजाखेड़ा के थाना प्रभारी वीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस एवं 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर के अधिकारियों एवं जवानों ने कस्बा राजाखेड़ा के मुख्य बाजार, हाट मैदान, सिकरौदा, सिंघावली खुर्द, घना का पुरा, चिंतामणि की घड़ी, काटरपुरा, सिलावट, जगमोहन का पुरा, सिंधियापुरा, बाबरपुर, देवखेड़ा, समूना आदि में पैदल फ्लैग मार्च कर आमजन को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की एवं सी विजिल ऐप के बारे में जागरूक किया। अवैध देसी कट्टा व कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूमते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर जब्त किया है। थाना प्रभारी राम नरेश ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम सरानी धिमरी रोड अटल सेवा केंद्र के पास से वारदात की फिराक में घूमते हुए सनी पुत्र डैनी बेड़िया निवासी धिमरी थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। मौके पर ही जिसके कब्जे से एक हस्त निर्मित देसी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।